हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और यूरोपियन कंट्री की, जो कि है हंगरी। तो हंगरी में आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जॉब के, और काफ़ी लार्ज नंबर में। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है वेयर हाउस में, प्रोडक्शन में और कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इन तीन काफ़ी बड़ी कैटेगरीज है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हेल्पर की रिक्वायरमेंट रहती है, पैकिंग हेल्पर वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें आ जाते हैं, वेयर हाउस में भी ऐसे ही। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन में सारे स्किल्ड वर्कर आ जाते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शटरिंग कारपेंटर, इस तरह से सारे लोग, ठीक है। तो और ये जो हंगरी का वर्क परमिट है, इसकी खास बात ये है 2 साल का, 2 ईयर्स वर्क परमिट, ठीक है, विद एड्रेस रजिस्ट्रेशन। वीज़ा की जो है गारंटी है, फुल रिफंड अगर आपका रिजेक्शन होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप अगर एजेंसीज में अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस की फ़ी लगती है, ये आप सबको ही पता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ एजेंसीज प्रोसेस का फ़ी काट के आपको जो है सर्विस चार्ज वापस करती है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल जो है फ़ी रिफंड की जाएगी। इन केस अगर होता है कई बार कि रिजेक्ट जो हो जाता है तो आपको फुल जो है रिफंड किया जाएगा, ठीक है। तो जो परमिट है आपका वो 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगा, और सैलरी जो इसमें है वो है 900 यूरोस पर मंथ, ठीक है, नेट सैलरी है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं हंगरी के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। जो रेडी कैंडिडेट्स हैं जिनको कि जाना है, और जिनको ये है कि बस आप अप्लाई कर दो, तो वो लोग चैनल की मेंबरशिप लेके, छोटी से छोटी भी ले सकते हो, बड़ी से बड़ी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ताकि देखो मुझे भी पता चले कि आप लोग सीरियस हो जाने के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का क्या होता है कि टाइम पास करते हैं। और इवन अभी क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड के जो वर्क परमिट आए हैं, 3 के आए हैं, वर्क परमिट नहीं सॉरी ऑफर आए हैं, ऑफर लेटर्स, तो उनमें से 2 लोगों ने क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, और एक बंदे ने कहीं और से भी अप्लाई करके और कहीं और का जो है प्रोसेस करवा दिया है। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए, और यही रीज़न होता है कि आप लोगों से कई एजेंसीज एडवांस चार्ज करती हैं, कुछ एजेंसीज आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेती हैं ताकि आप लोग क्रॉस ना कर पाओ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ रहेगा। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ठीक है। और सर्विस चार्ज बता दूं तो हंगरी का काफ़ी कम है, तो आप लोग एक बार ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।